राम राम जी आप सबने। मैं उमेश नागर अलवर राजस्थान से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं विक्की एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिया। चलिए अब एक पहली शायरी फौजी भाइयों के लिए, सबसे पहले आर्मी लवर्स के लिए। किरे सात सात बजे उठन आले आज चार बजे उठ जावा है, किरे सात सात बजे उठन आले आज चार बजे उठ जावा है, और लोगा की नींद खुलने से पहले ही सारे ग्राउंड में पावा है। और ये जगना जागना मजबूरी को नहीं मेरे भाई, ये जगना जागना मजबूरी को नहीं मेरे भाई, आर्मी वाली वा वर्दी आप पे ही जगावा है। चलो एक और फौजी भाइयों के लिए है। नवाली के तो सारी आना फौज फौज करते रहे, इसमें घना कुछ पावे है के, बोले सारी आना फौज फौज करते रहे इसमें घना कुछ पावे है के, और के दे रहा इस फौज में इसमें घना कुछ आवे है के, रे मखत तेरे मेरे बीच में मेरे सपना ने ना लाइए, रे मखत तेरे मेरे बीच में मेरे सपना ने ना लाइए, और जग के पूछे तेरे बाबू ते फौजी के अलावा और कोई देश ने चावे है के, रे मखत चावे है के। चलिए एक कि मेरे हाथ में ताबिज दें दी बोली, मेरे हाथ में ताबिज दें दी बोली, बोली ले बांध ले तेरे नजर लग जाएगी, मेरे हाथ में ताबिज दें दी बोली, बोली ले ताबिज बांध ले तेरे नजर लग जाएगी, मखा रहे मैडम मेरी माँ ने जब नूनराई कर दी ना तो तेरी बर्गी भी परे भाग जाएगी। चलिए एक उनके लिए जो भाई थोड़े सावड़े हैं मेरी तरह, सुनिए। कि रे मखा यार दसी में तीन बार फेल, और मैडम की घनी तेज अकल है, रे मखा यार दसी में तीन बार फैले और मैडम की घनी तेज अकल है, और यारा का रंग सावड़ा है तो कोई बात नहीं, फिर मैडम की भी तो बांदरी जैसी शकल है। जी चलिए एक हिंदी शायरी है कि गलती तुम्हारी थी सजा हमें सुनाते हो, कि तुमने जो किया वो भूल गई और गलतियाँ हमारी गिनाते हो, कि गलती तुम्हारी थी सजा हमें सुनाते हो, तुमने जो किया वो भूल गई तो गलतियाँ हमारी गिनाते हो, और माना कि कुछ गलतियाँ हुई थी हमसे भी इश्क में, माना कि कुछ गलतियाँ हुई थी हमसे भी इश्क में, और खुद बेवफा होकर हमें वफा सिखाते हो। जी चलिए एक और हिंदी शायरी कि मैं मंजिल तो मेरी मंजिल की राही थी वो, मैं मंजिल तो मेरी मंजिल की राही थी वो, मेरी आँखों में बसी हुई परछाई थी वो, कि मैं मंजिल तो मेरी मंजिल की राही थी वो, मेरी आँखों में बसी हुई परछाई थी वो, और जो आज वजह बन चुकी है इस दिल के दर्द की, कभी मेरे हर दर्द की दवाई थी वो। एक अपने भाई नीरज चोपड़ा के लिए एक लिखा मैंने कुछ कि घी दूध और लस्सी का खाना खाया है, कि घी दूध और लस्सी का खाना खाया है, बड़ी मुश्किल से शीरे को हमने पाया से, कि घी दूध और लस्सी का खाना खाया से, और बड़ी मुश्किल से हमने इस हीरे को पाया से, और लाड ले दिल ते सल्यूट इतने, और लाड ले दिल ते सल्यूट इतने, सारी मुसीबत लड़के भी तू गोल्ड जीत कर लाया है। चलिए एक शायरी और हिंदी शायरी कि धोखा अपनों से मिला मुझे गैरों से अब कोई आस नहीं है, कि धोखा अपनों से मिला मुझे गैरों से अब कोई आस नहीं है, दिल का टुकड़ा था कभी वो जो आज मेरे पास नहीं है, कि अब ये प्यार वाला खेल खेलना बंद कर दिया मैंने, और अब प्यार वाला खेल खेलना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि अब मुझे इश्क पर विश्वास नहीं है। एक दो लाइन फौजी भाइयों के लिए कि लग जाए चाहे पाँच साल, लग जाए चाहे पाँच साल पर इन कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, कि लग जाए चाहे पाँच साल पर इन कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, और एक बार फौजी बना दे भोले बाबा तेरी कसम तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। जो सुनिए कल एक छोरी मिली बोली मैं आप ते बहुत घना प्यार करूँ हूँ, मखा जाके देख लिया भाई, बोली आपका दिल बहुत साफ है, बोली आपका दिल बहुत साफ है, मखा परे ने मरले मैडम यार तो पहले तो दो बड़का का बाप है। कि एक हिंदी शायरी कि आज वक्त नहीं तुम्हारे पास कभी हमारा इंतजार हुआ करता था,
आज वक्त नहीं तुम्हारे पास, कभी हमारा इंतजार हुआ करता था, चोरी चोरी चुपके चुपके आँखों से वार हुआ करता था। कि आज वक्त नहीं तुम्हारे पास, कभी हमारा इंतजार हुआ करता था, चोरी चोरी चुपके चुपके आँखों से वार हुआ करता था। और आज दौर अलग है मेरा, आज दौर अलग है मेरा, मेरा वक्त ख़राब था जब मुझे तुझसे प्यार हुआ करता था। एक भाई।